हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आरआर रीजनिंग क्लासेस। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक धमाकेदार न्यूज़। क्या है न्यूज़? ये है कि बहुत से लोगों को जिस भर्ती का इंतज़ार है वो जल्द ही आने वाली है। कौन सी भर्ती है? ये भर्ती है UPSI की। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, पुलिस में 6000 दरोगा समेत 7400 भर्तियां होंगी जल्द। ये विज्ञापन जो है जल्द जारी किया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड अगले हफ्ते जारी कर सकता है विज्ञापन। मौजूदा सरकार में 1,37,000 पदों पर हो चुकी है भर्ती। ये जो भर्ती है ये यूपी कॉन्स्टेबल की भर्ती है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6000 होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस में अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। भर्ती बोर्ड ने इस बार सब इंस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ स्टोनो व अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1400 पदों पर भर्ती की तैयारी की है। सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुए नौजवानों की फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है। सिपाहियों के इन पदों की भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह भी जो 2019 में जो सेकंड फेज जो 2019 का जो सेकंड फेज जो हुआ था UPSI का, उसका अभी भी जल्द ही रिजल्ट जारी किया गया था मार्च में। उसकी भर्ती की जा रही है, ट्रेनिंग वगैरह की जा रही है। अब देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है, जल्द ही ये विज्ञापन जारी होने वाला है। आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया इंतज़ार अब ना करें, अपनी तैयारी में लग जाएं, फ़ायदा उठाएं। जब तक पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, आपके पास बहुत सा इंतज़ार है। आप उस टाइम में अपना जो भी है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।